हेलो फ्रेंड्स, सपना इंडियन ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी व्हाइट सॉस पास्ता। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये बर्तन लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं बर्तन को गैस पर रखती हूँ और गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन कर दिया, पानी मेरा उबल रहा है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। पानी में उबाल आने देते हैं, फिर इसमें हम अपना पास्ता डालते हैं। पानी में मैं थोड़ा इसमें पानी में थोड़ा सा डालूंगी मैं ऑयल। ये तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम सॉसेस बनाएंगे। चलिए, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा देसी घी। आप बटर भी डाल सकते हैं। कढ़ाई मेरी अभी गर्म हो रही है। ये देखिए, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी मैदा। इसमें थोड़ा सा भूनना है। पानी भी उबल चुका है, इधर मेरा पानी भी उबल चुका है। इसमें मैं डालूंगी पास्ता। पास्ता को हम 10 से 15 मिनट के लिए उबालेंगे। देखिए, मैदा मेरी देखिए भून चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप दूध। दूध को डालकर हमें धीरे धीरे से चलाना है। दूध को इस तरीके से चलाना है। ये देखिए, मेरा दूध गाढ़ा होने लगा। डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। ये देखिए, मेरी सॉसेस बन चुकी है। अभी मैं इसे हटा देती हूँ। कढ़ाई रख ली है, इसमें थोड़ा सा डालूंगी देसी घी। अभी हम इसमें अपनी सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। अभी कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, इधर पास्ता भी देख लेते हैं। अभी पास्ता थोड़ा टाइट है, इसे और उबलने देते हैं। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ लहसुन। इसमें डालूंगी मैं ये कटी हुई प्याज। और ये कटी हुई डालूंगी इसमें शिमला मिर्च। आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास है। अभी मेरी सब्जियां फ्राई हो रही हैं। पास्ता भी चेक कर लेते हैं। पास्ता मेरा उबल चुका है, गैस कर देते हैं बंद। पास्ते को इससे बाहर निकाल लेती हूँ मैं। अभी इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो पास्ता को हम इसे धो लेते हैं ठंडे पानी से। पास्ता को मैंने धो लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी ताकि हमारा पास्ता चिपके नहीं। इसको इस तरीके से ऑयल डाल के मिलाना है। पास्ता इधर मेरा ठंडा हो रहा है। इधर मेरी सब्जी अभी फ्राई हो रही है। इन्हें हमें 5 मिनट के लिए और फ्राई करना है। सब्जी में थोड़ी सी डालूंगी चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक। सब्जियाँ ये देखिए मेरी फ्राई हो चुकी हैं। सब्जी की गैस कर देते हैं बंद और सब्जी को डालते हैं इसमें सॉस में। सब्जियों को सॉस में इस तरीके से मिला के
डाल देती हूँ इसमें पास्ता। इसमें डाल देती हूँ अभी पास्ता। पास्ते को इस तरीके से मिलाना है इसमें। देखिए इस तरीके से मैंने सॉस में पास्ता को मिला लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालूंगी चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगैनो। इसको मिलाएंगे हम इस तरीके से। डालूंगी मैं थोड़ी सी चीज, चीज को इस तरीके से मिलाना है। तो ये देखिए मेरा ये वाइट सॉस का चीज हमारी इसमें मैश हो चुकी है। अभी ये मेरा पास्ता बन चुका है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए मेरा ये वाइट सॉस पास्ता बन के हो गया तैयार। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए ये देखिए मेरा वाइट सॉस पास्ता बन के हो गया तैयार। ये अम्मी सा आप भी एक बार बनाइए, एक बार ट्राई करिए मेरे तरीके से। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।